किसान वीरो नमस्कार, आपका वेलकम करता हूँ फार्मिंग सपोर्ट चैनल में। और इस वक्त हम कवर कर रहे हैं मैसी 7250, जो कि काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। 6 लाख कैटेगरी में, 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी फीचर दी हुई है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है। और जो किसान वीर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और साथ में पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं, जिससे आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। तो किसान वीरो, हमारा ये है मैसी 7250, जो कि काफ़ी अच्छी शानदार ट्रैक्टर है। 50 HP कैटेगरी में अच्छा ट्रैक्टर है। इसकी मज़े की बात तो ये है कि ये अपने वजन से भी ज़्यादा इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जो कि खास ट्रैक्टर में, ज़्यादातर ट्रैक्टर में फीचर नहीं दिया हुआ जाता। इसका 2300 किलो इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है। उसकी वजन की बात करें तो हमको वजन मिल जाता है, इसका टोटल वेट 2000 है। वही हम अगर इसका सामने देखेंगे तो हमको लोगो दिख जाएगा और साथ में हमको लाइट दिख जाएगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और सामने इसका हमको एयर फिल्टर मिल जाता है। और वही हम इधर देखेंगे तो हमको इसको पावर स्टेयरिंग सिस्टम मिल जाता है, इसमें दोनों मैनुअल मिल जाता है। और ये अपने पूरे 50 HP कैटेगरी में 540 रेटेड RPM के साथ पूरी पावर अपनी लगाता है। और 50-50 रेंज में ट्रैक्टर है, जो कि अच्छी अट्रैक्टिव लगता है। 7250 सामने हमको लोगो दिख जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, सामने दिख लगा रहता है। तो उस हिसाब से कंपनी ने इसमें बनाया गया है, पावर अप वाला है ये, पावर अप फीचर का है ये। वही हम अगर इधर देखेंगे तो ये 540 RPM में मिल जाता है, 3 सिलेंडर में मिल जाता है ट्रैक्टर, जो कि 50 HP कैटेगरी में ठीक ही है। उस हिसाब से इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी तो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और इसमें हमको इसका बोनट खोलने के लिए काफ़ी अच्छा फीचर दिया है, जो कि अन्य ट्रैक्टर में हमको ये देखने को नहीं मिलता। वही हम अगर इसकी क्लच की बात करें तो हमको काफ़ी स्मूथ क्लच मिल जाता है, डुअल क्लच मिल जाता है। ऑप्शनल इसमें ऑप्शनल नहीं आया, अगर नया मॉडल में ऑप्शनल आना बंद हो गया। वही हम अगर इसका ऊपर से व्यू करें तो हमको काफ़ी शानदार प्यारा सा हमको इसमें भी स्टेयरिंग में लोगो दिख जाएगा। और मीटर फुल्ली डिजिटल आ गया है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी हद तक मज़ा है। और इसमें और मज़े की बात यह है कि हमको इसमें वो मिल जाता है, ये हैंड ब्रेक, जो कि बहुत कम ट्रैक्टर देती है। मैसी तो सभी ट्रैक्टर में देती है, जो कि सबसे मज़े की बात ये मैसी की यही लगा मुझे कि हैंड ब्रेक दे दिया हुआ है। इसमें हमको हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाता है, जो कि अन्य ट्रैक्टर से काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है उस हिसाब से। और इधर हम देखेंगे तो इसमें चाबी स्विच मिल जाएगा, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बहुत सारे हमको फीचर मिल जाएंगे, जो कि ये ट्रैक्टर कीमत के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। वही हम अगर और बहुत सारे फीचर देखें तो हमको स्मूथ क्लच मिल जाएगा, इधर हमको एक्सीलेटर के लिए मिल जाएगा, जो कि अन्य ट्रैक्टर से हमको अलग बनाती है ये मैसी 7250। और मज़े की बात हमको ये है कि इसमें हमको मिल जाता है एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी शानदार है उस हिसाब से। इसमें गियर बॉक्स भी हमको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स मिल जाता है, जो कि अच्छा है। सामने गियर मिल जाता है, तो उस हिसाब से किसानों के हिसाब से बनाया गया है। वही हम अगर इसकी टायर की बात करें तो पीछे का हमको 14/28 के पीछे का टायर मिल जाता है, और सामने का हमको 7/50 का मिल जाता है, जो कि सिंपल टाइप से है। 16 भी आता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ये सिंपल आता है। वही हम अगर इसके पीछे से व्यू करें तो हमको PTU मिल जाता है, रिवर्स PTU मिल जाता है, जो कि 540 RPM में मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाता है, जो कि हैरो चलाने के लिए, रिवर्स सीवर प्लाव के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। और मज़े की बात यह है कि इसके हमको टूल बॉक्स पीछे मिल जाता है, पीछे जिससे सामने स्पेस बचता है, कोई बैठना चाहता है तो उसमें जगह रुक जाता है, उस हिसाब से कंपनी ने बनाया गया है। वही हम अगर इधर से व्यू करते हैं तो इधर भी हमको लिखा हुआ मिल जाएगा 7250। और इसका स्टेयरिंग टाइप आपको मैनुअल मिल जाता है, जो कि आप ऑप्शनल अपने हिसाब से ले सकते हैं, दोनों हैं, पावर स्टेयरिंग ऑप्शनल दोनों मिल जाता है। और मज़े की बात है ये है कि इसमें कल्टीवेटर चलाने में हमको ये डीजल खपत कम देता है, जो कि 3 से 3.5 लीटर में काफ़ी काम हो जाएगा, जो कि उस हिसाब से काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा है ट्रैक्टर। और मज़े की बात यह है कि ये काफ़ी फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इस ट्रैक्टर में आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, 0 कंप्लेन में ट्रैक्टर है। रिवर्स PTO में मिल जाता है। वही इसकी कूलिंग की बात करें तो हमको वाटर कूलिंग मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा हद तक ट्रैक्टर है। 2500 cc का ट्रैक्टर है, जो कि इस रेंज में काफ़ी अच्छा है। और मज़े की बात यह है कि हमको इसमें 60 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि अच्छा है ट्रैक्टर के हिसाब से।
तो किसान मेरे वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो हमारे अगले किसान मेरे के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय।